जब दिल में कोई मुद्दा ना था, हमारी आरज़ुओं ने हमें बंदा बना दिया। चाह कितनी निकृष्ट है, इससे हर साधक को साधक जनों बचना चाहिए। इसलिए निष्काम भक्ति, निष्काम ही सेवा। पूज्यपाद प्रेम जी महाराज के दो शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द हुआ करते थे, निष्काम सेवा एवं निष्काम भक्ति। इन दोनों के साथ कोई कामना नहीं जुड़ी होनी चाहिए, तो ये फलवती होती है, तो इनसे सफलता प्राप्त होती है। भक्त कबीर तो साधक जनों एक बड़ी सुंदर उदाहरण देके तो हमें समझाते हैं। किसी ने पूछा होगा उनसे, आप भी राम राम जपते हो, हम भी राम राम जपते हैं, हमें वह लाभ क्यों नहीं होता जो आपको हुआ है? आपको तो इस राम नाम ने औरों को लाभ पहुंचाने के योग्य बना दिया है, और
रम जपने से स्वयं को ही कोई लाभ नहीं हुआ, क्या कारण है? कभी सब समझाते हैं बंधुओं। एक किसान है, वह बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है, बहुत मेहनत करता है, खेती लहलहाती तैयार हो जाती है, पौधे खूब बड़े बड़े हो गए हैं, उन पर जो फल लगना था, अन्न लगना था, इत्यादि इत्यादि वह भी लग गया है। लेकिन खेती तैयार होने पर यदि भीतर पशु घुस जाते हैं तो वे सारी की सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, किसान के हाथ कुछ नहीं लगता। यही हालत हम संसारियों की है। हम कमाई तो करते हैं लेकिन कामना के पशु भी हमारे पास बहुत हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं तो हमारे पास कोई कमाई बाकी नहीं बचती। अपने शिष्यों को समझाया करते थे इस कामना के लिए। कबीर सब कहते हैं, ये शैतान मेरे पास रोज आता है, चाह की तुलना, कामना की तुलना, ये शैतान और कुछ नहीं। हमारे अंदर चाह जो भरी जाती हैं, तरह तरह की चाह कामनाएं हमारे अंदर भरी जाती हैं, अपेक्षाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, ये शैतान नहीं है। मेरे पास शैतान रोज आता है, आके पूछता है क्या खाओगे, मैं कहता हूं मिट्टी, क्या पहनोगे, मैं कहता हूं कफन। शैतान मेरे से पूछता है कहां रहोगे, मैं कहता हूं शमशान में। बेचारा मुंह लटका के वापस चला जाता है। क्यों? संसारी इन्हीं चीजों में फंसा रहता है और मुझे वे फंसा नहीं सकता, इसलिए मुंह लटका के तो वो चला जाता है। ये कामना, ये चाह साधक चलो शैतान के काम है। उस दिन चर्चा चल रही थी कि इस चाह को अचाह कैसे बनाया जाए।